दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। शेष दिनों में आप रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को अधिक स्ट्रांग कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रत्येक दिन 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताए जाते हैं, जिसका रिवीजन कर आप एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज का जो हिस्ट्री का टॉपिक्स है, वह टॉपिक्स है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को आप अवश्य रिवीजन कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार एक दो क्वेश्चन होता ही होता है। हिस्ट्री में ऐसे सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन होता है उसमें गुप्ता पीरियड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, गुप्त वंश के शासन प्रणाली को सही रूप से देख ले, साथ ही साथ गुप्त वंश के जो भी महत्वपूर्ण शासक थे उसके बारे में जाने, साथ ही फाहियान गुप्त वंश में कुमार गुप्त के शासन काल में भारत में आया था, जो एक चीनी यात्री था। गुप्त वंश के शासक के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वह शासक थे कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह से गुप्त वंश के जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप सही रूप से रिविजन कर ले। आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक्स है, वह टॉपिक्स है इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत में जो भी प्रमुख उद्योग है, वे सभी उद्योगों को इसमें रिवीजन कर ले। खास विशेषकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है, किस नदी के कोस्ट पर स्थित है, कब स्थापित किया गया। उसी तरह से सेकेंड फाइव ईयर प्लान में कौन कौन से आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश किया गया, किस स्टेट में एस्टैब्लिश किया गया, किस देश के हेल्प के द्वारा स्थापित किया गया था, ये सारा चीज आप कंप्लीट कर ले। और भारत का कौन सा आयरन एंड स्टील कंपनी तटीय क्षेत्र में स्थापित किया गया है, इसको भी सही रूप से आप देख ले। इसके साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की भारत का प्रथम आधुनिक सीमेंट कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम जूट कारखाना, भारत का प्रथम चीनी मिल कारखाना। तो भारत का प्रथम चीनी मिल कारखाना बिहार में सारण के मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। उसी तरह से आपका कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है कि प्रथम सूती वस्त्र इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस का आप सही रूप से रिवीजन कर ले। आज का जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक्स है, वह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन संविधान के पार्ट 15 में है, और इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो चुनाव आयुक्त बनने की योग्यता, उनका कार्यकाल, उनका वेतन, उनका अधिकार एवं कार्य, इसको टोटल आप देख ले। और अनुच्छेद 324, 325, 326, इसको सही रूप से 324 से 329 तक ले आप सही रूप से देख ले, क्योंकि बार बार वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको कंप्लीट कर ले। अगर आज की बात की जाए इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में हमने आज डिफिक्ट रखा है, घाटा। अब डिफिक्ट, तो डिफिक्ट में फिस्कल डिफिक्ट, रेवेन्यू डिफिक्ट, बजटरी डिफिक्ट और प्राइमरी डिफिक्ट। अब इसका परिभाषा आपको जानना होगा कि फिस्कल डिफिक्ट क्या है, रेवेन्यू डिफिक्ट क्या है, बजटरी डिफिक्ट क्या है और प्राइमरी डिफिक्ट क्या है। साथ ही फिस्कल डिफिक्ट जीडीपी के कितने प्रतिशत है, प्राइमरी डिफिक्ट जीडीपी का कितने प्रतिशत है, इसको भी आपको देखना होगा। पिछले वर्ष
जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें फिजिकल डिफेक्ट्स का परिभाषा पूछा गया था, तो इसको आप सही रूप से कर ले। साइंस में आज हमने जो टॉपिक्स लिया है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो यहाँ कार्य के डिफिनेशन जानना है, शक्ति का डिफिनेशन जानना है और ऊर्जा का डिफिनेशन जानना है, साथ ही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम जी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच। इसके साथ ही साथ गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल्स आपको जानना होगा, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल्स आपको जानना होगा, यहीं पर किलो वाट के बारे में आपको जानना होगा। तो इस तरह से इस साइंस को टॉपिक्स को आप रिवीजन कर ले। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखे ही जाएंगे। और मेरे द्वारा जो भी प्रैक्टिस, जो भी इम्पोर्टेंस टॉपिक्स डाला गया है, वो सभी इम्पोर्टेंस टॉपिक्स को अगर आप देख लेते हैं और साथ ही साथ उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय